फ्रेंड्स, जब आप WhatsApp पे किसी का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको हर पेज का स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चैट होने के कारण अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं जब भी ऐसे करते हैं तो केवल ये एक पेज का ही स्क्रीनशॉट आता है, और इसमें आपको बार बार अलग अलग स्क्रीनशॉट लेने से आपका स्क्रीनशॉट से पूरा गैलरी भर जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप ये जितना भी चैट देख रहे हैं ये पूरे चैट का सिर्फ एक क्लिक में पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक स्क्रीनशॉट में ये पूरा ही चैट आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कैसे होता है इस वीडियो में देखते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ से व्हाट्सएप में सबसे पहले आपको देख लेना कि कहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए मान के चलिए मेरा वीडियो जो है यहाँ तक है, ये लास्ट है, और मैंने यहाँ से लेकर के लास्ट तक स्क्रीनशॉट लेना है। इसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट तीन तरीके से लेते हैं। एक तो आप अपने पावर बटन को यहाँ से प्रेस करते हैं और वॉल्यूम डाउन बटन को, और दोनों को जब प्रेस करते हैं तो यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है, और इस तरह से फ्रेंड्स। और दूसरा जो स्क्रीनशॉट लेते हैं, जब थ्री फिंगर को आप इसे टच करते हैं तब ये स्क्रीनशॉट आ जाता है, लेकिन ये सिंगल स्क्रीनशॉट होता है। इसी में फ्रेंड्स जब हम इसे थ्री फिंगर प्रिंट को जब स्क्रीनशॉट करेंगे और फास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट का। आप दोबारा से देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसे करेंगे देखिए ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखेगा, जैसे उस पर आपको जल्दी से टच करना है। मैं फिर से कैंसिल करता हूँ और आपको दोबारा से दिखाता हूँ। जैसे ही मैं ये पावर बटन और ये डाउन बटन को प्रेस करूँगा, देखिएगा यहाँ पे साइड में एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जब लॉन्ग स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, और ये क्लिक कर दिया। और इसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, इसको आप जितना चैट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए पूरा चैट आप एक ही स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, ऐसे करके पूरा जितना भी हमें चाहिए पेज उतना स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं। इस तरह से जब आप स्क्रीनशॉट लिया हुआ हो जाएगा, इसके बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डन का ऑप्शन दिखेगा, इस डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो जितना भी लंबा चैट था ये केवल एक ही स्क्रीनशॉट में आ गया, और फिर आप ये किसी को भी एक क्लिक में ऐसे क्लिक करके भेज सकते हो। इस शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ से क्लिक करने के बाद ये WhatsApp पे फ्रेंड्स आप किसी को भी एक क्लिक में सेंड कर सकते हो। तो देखिए पूरा चैट आप अपने फ्रेंड को सिर्फ एक क्लिक में सेंड कर सकते हो, और आपको अलग अलग स्क्रीनशॉट लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब ये स्क्रीनशॉट को आपको मैं दिखाता हूँ, आपको जैसे स्क्रीनशॉट देखना है, इसको जब जूम करेंगे फ्रेंड्स, जूम करने के बाद देखिए ये एक ही स्क्रीनशॉट है पूरा, और इसको आप गैलरी में भी देख सकते हैं। चलिए मैं आपको गैलरी में चल के दिखाता हूँ। इसके लिए मैं अपने यहाँ से फ़ोन की गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। फ़ोन की गैलरी को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स जो भी स्क्रीनशॉट हमने लिया है वो आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो नीचे ये वाला लास्ट वाला स्क्रीनशॉट है, मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद देखिए ये कितना बड़ा स्क्रीनशॉट है और इसमें क्या क्या है। आप इसको पूरा जूम करेंगे और पूरा क्लियर से दिखेगा, और आप पूरा स्क्रीनशॉट को एक बार में पढ़ सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये स्क्रीनशॉट आपके सामने मिल गया था और ये पूरा एक पेज में आ गया। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप पूरे WhatsApp का एक स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिलती रहे। धन्यवाद।